आ चुके हैं हम लोग सुपर 30 लीग चैंपियनशिप के मैच नंबर राउंड नंबर 3 पे और मैच नंबर 1 पे। और आज फैसला होने वाला है कि क्या इस टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स रहेगा या नहीं। तीन मैच में दो मैच में एक जीतने, तीसरा आज होने वाला है। अगर हार गया तो भाई पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो जाएगी। आज फिर कानपुर का स्टेडियम आया है, इससे पहले भी कानपुर आ गया है। याद मुझे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विमल का लोगो लगाया हुआ है, तो वो मुझे याद रह गया। बाकी पिच सेटअप आपके सामने हो रहा है, किसी को नहीं मालूम क्या बन के आया है। और ये फाइनल है टीम सिलेक्शन में हम लोग लेफ्ट साइड की बनी है। बात करनी रह गई थी हैम्पशायर के बारे में। तो हैम्पशायर ने अभी तक दो मैच खेले हैं, एक में जीत, एक में नहीं सॉरी हैम्पशायर ने एक मैच खेला है, एक में जीवाई जीता हुआ था 100% है रेशियो। आज अगर इनका मैच हो गया ना तो मुझे देखना होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी मुझे हो रहा है। मैं आपको रैंकिंग जब आएगी तब एग्जैक्टली बताऊंगा, क्योंकि आज का जो मेरा मेन फोकस था मेरी टीम राजस्थान पर ही था। प्लेइंग 11 आपके सामने आता हुआ कुछ है ऐसा। इसका जाता हुआ कॉल हैम्पशायर की कप्तान की तरफ से और टॉस विनर बने हैं हम लोग, ठीक है। रनचेज के साथ जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, बाकी ऐसा नहीं है, कन्फर्म नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर सेकंड बैटिंग जितवा देगी आपको। गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग, ट्रेंट बोल्ट पहली ओवर ऐसे भी थोड़ा सा धीरे खेलती है ये टीम। मैदान दो रन वाला, रन आउट पहली बॉल पे, नहीं दो रन। पेस बनाने की कोशिश है इस टूर्नामेंट में, तेज गेंदबाजों ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज दिए हैं। डॉट गेंद शुरुआत हो चुकी है इस मैच में भी, ना तेज जितना परफेक्ट उतना अच्छा, बट अगर मिडलिंग कर गया तो दिक्कत भी हो सकती है। यहाँ पर मिडलिंग जरूर हुआ बट गैप नहीं, एक पे रुकेंगे, जरूरत थी नहीं। बाउंसर ट्राई कर रहे हैं और यहाँ डॉट गया है, तो एक्सपेरिमेंट सफल रहता हुआ। बाकी गुड लेंथ भी सिंगल ही जा रहा था, डबल ही जा रहा था, डॉट जा रहा था। कुछ अलग शॉट्स की जरूरत है, स्लोवर रख दिया गेंद, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद उछल रहा है। डायरेक्टेड आउट हो गई, ओ भाई, और ये चीज मुझे इम्पॉसिबल लगती थी, आउट है भाई, अपील हुई है मतलब कि आउट। और मैंने ऑलमोस्ट ऑरेंज जोन में रोका था, या हो सकता है एक पॉइंट से शायद वो ग्रीन जोन में चला गया, इसीलिए डायरेक्ट लगा है और हिला के रख दिया है पहली ओवर में। यहाँ पे हैम्पशायर को झटका दिया रन आउट के रूप में, ऑर्गन आउट। नए बल्लेबाज वेदरली, नए गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, शुरुआत होगी इस ओवर की एक रन से। और हाँ डेफिनेटली बहुत पीछे है हैम्पशायर, आई थिंक 12 मतलब 60 रन तो मिनिमम, 70 करने का रिकॉर्ड है अभी तक का। इनको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अभी इस सिनेरियो से 70 की कोशिश करें, बाकी पिच पे डिपेंड करता है। फिर स्क्वायर कट, फील्डिंग कमाल है, दो गेंदों में सिर्फ दो आते हुए, और पॉसिबिलिटी लग भी नहीं रही कि इससे बड़ा कुछ कर पाएंगे ये दोनों। दो गुड लेंथ के बाद दो वाइड यॉर्कर्स और यहाँ पर मच नीडेड डॉट आ गया है। ऐसा तो हमें जरूरत थी नहीं, ओवर फिर भी सिंगल का ही जा रहा था, बट यहाँ पर और मजबूत होंगे। पिछली ओवर का बाउंसर एक्सपेरिमेंट सफल रहा था, यहाँ भी सफलता मिलती हुई। 150 टच कर रहा है पेस, पेस कम करते हुए कनेक्शन बनाया है, गैप पहला यहाँ पर ओवर का, एंड होगा बाउंड्री के साथ, फिर भी सिर्फ 7 ही रन आए। मैं कहूंगा ये ओवर भी राजस्थान के। तीसरे ओवर से एआई जो है वो अपना अटैकिंग अवतार दिखाना शुरू करता है और यहाँ पर दिखता हुआ वो अवतार। पहली गेंद वेदरली का चौका, एक ओवर स्पिनर का बाकी है क्योंकि हमारे में हो सकता है मुझे दो भी देना पड़े शायद, क्योंकि अश्विन और चहल दो मेन स्पिनर्स राजस्थान में है। इन स्विंग गेंद पे 4 था, आउट स्विंग पे करते हुए गली से गैप ढूंढते हुए वेदरली दूसरी बाउंड्री। अब यहाँ पे हैम्पशायर को रोक दो तो मान लू मैं। वाइड यॉर्कर्स, पेस 147, ऑलमोस्ट 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 डॉट गई है दो बड़े शॉट्स के बाद। फाइनली अर्ली अर्ली कर लें दोनों चीजें। हाँ, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार परफेक्ट ही करो, आप कभी अर्ली भी कर सकते हो, वो भी कॉम्बिनेशन काम करता है। यहाँ पे काम किया है, एज बनी कीपर तक डॉट, अब यहाँ परफेक्ट रखना है और फिर एज, गजब के वेरिएशन और सभी काम करते हुए दो बाउंड्रीज के बाद खामोशी यहाँ पे स्कोर कार्ड पे, 3 लगातार डॉट्स। ये एक्चुअली में गलत क्लिक हो गया है मेरा, पर फायदेमंद। वाइड यॉर्कर ने यहाँ पर 4 डॉट डलवा दिए, दो बाउंड्री का जो असर था खत्म कर। जी हाँ भाई, स्पिनर्स को देनी पड़ेगी क्योंकि रियान पर अगला ऑप्शन है, तो उनसे तो अच्छे ही रहेंगे मेरे ख्याल से चहर और अश्विन। पॉइंट पे कुछ करो यार, ये फिर से 4 निकाला है, ये 4 में से 3 बाउंड्री यहाँ से गई हैं। फेंका है गुगली, गुगली में फंसते हुए डॉट खेलते हुए हॉलैंड, एजिस बची हैं तो इस मामले में उनको लकी रहना होगा। हॉलैंड एक बार फिर एडवांस शॉट, और ये एडवांस शॉट क्या दे रहा है, कुछ कह नहीं सकते, और रोक लिया गया है बाउंड्री रोप से पहले, और यहां पर हॉलैंड को जाना होगा पवेलियन। चहल को मिल गई ये सफलता, और ये काफी ऊपर नीचे वाला ओवर था, चौका पड़ा, डॉट गई, फिर विकेट मिल गया। तो ये गेंद डिसाइड करने वाला था कि ओवर किसके नाम है, एडवांस किया था काफी तगड़े तरीके से, बट किस्मत में लिखा था आउट होना। पद्दिकल को भी जाएगा क्रेडिट, इतना बढ़िया कैच बनाया इन्होंने।
ना ना ड्रॉप्स हो जाते हैं यहाँ पर कैचेस। कितने पे आउट हुए? 10 पर। क्या फिर भी रन 10 के नीचे होंगे? आए जिस चालू है गैप, फिर गली ढूंढता हुए, मुझे बॉल दिख नहीं रही। हाँ फाइनली दिखी है, एक दो रन एजिस से आए। लेकिन वेदरली एडवांस शॉट, फिर ये गली वाला क्या चल रहा है भाई, फंडा फिर से दो देते हुए। तीन का रिस्क नहीं लेंगे, थ्रो आ चुकी है, रिक्वायरमेंट बस अभी 7 के पार पहुंचा है। ये बेहतर शॉट, गैप भी अच्छा लग रहा है, ऊंचा निकल जाएगा अगर फील्डर पहुंच भी गए तो भी। अरे यार ऊपर से निकल गई, ये पता नहीं कौन सा फिजिक्स डाला है डेवलपर्स ने, अभी तक सॉल्व नहीं किया ये। मतलब इतना थोड़ी ना उछलता है गेंद, वो जंपिंग बॉल आता है वो उछल जाता है इतना, ये तो कुछ देखो। एडवांस करेंगे या फ्रंट फुट? फ्रंट फुट इनसाइड एजेस, गई है फाइन लेग से चौका, विमल बाउंड्री यहाँ पर। विमल की तरफ से, अश्विन थोड़े दुखी है बट टेंशन नको भाई, फील्डिंग मारते तो होता टेंशन, यहाँ तो एजिस से लगी है और ये भी गैप, पिछला एज भी गैप गया था, इस बार मिडलिंग से भी कम था शॉट, बट जो भी खेला गैप में खेला और गैप में खेला चौका निकाला। 200 का स्ट्राइक रेट हो गया वेदरली का। हाँ यही डॉट मिस कर रहा था मैं, ओवर में मिल गई, बहुत ही तगड़ा एंगल बन के आ रही है गेंद। एजिस इस बार गैप नहीं, गली में गई तो थी उसी दिशा में बट गैप नहीं, दो डॉट। यहाँ पर आई थिंक हम इस टूर्नामेंट का सबसे लोवेस्ट स्कोर देखते हुए, 44 मैक्सिमम होगा, जी हाँ 44 आता हुआ स्कोर, डेफिनेटली विनिंग स्कोर नहीं है। अब देखना ये होगा कि जब हमारी बैटिंग आएगी तो ये पिच किस तरह से रंग दिखाती है। देखो स्पिन पे तो मेरे स्पिन तो हो रही है, गेंद स्पिन हो रही है, तेज गेंदबाज अगर तेज फेंकता है तो बस पिच से थोड़ा बहुत मदद है, और ऐसे भी डे 5 पिच था तो यस भाई दिस इज नॉट अ बैटिंग पिच। लेट्स सी यहाँ पर जो राजस्थान है वो क्या करके जाता है। समरी कुछ ऐसी है, 45 का चेज है, चहल टॉप गेंदबाज और वेदरली 16 में 30, एक टफ सिचुएशन में एक अच्छी पारी, जायसवाल विद बटलर। अब बैटिंग ऑर्डर तो कमाल का है भाई इनका, खेलने की बात है। मोहम्मद अब्बास गेंदबाजी में, फील्डिंग देख के मजा आ गया, मिड विकेट पूरा खाली, स्लोवर डाल दी मोहम्मद अब्बास, मुझे लगा 140 डालेगा 145 डालेगा, 127 रुका है, उल्लू बनाया था। अपील अपील नहीं की क्यों? अरे ओवर थ्रो नहीं भाई, यहाँ लेग बाय के रन आ रहे हैं, या वो तो अच्छा है ज्यादा रन नहीं किए हैं। जोश बटलर ग्राउंड शॉट, एजेस भाई आसान नहीं हो रही है बैटिंग इस पिच पर, एक रन आता हुआ, तीन गेंदों में से कोई भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ है बैट से। जायसवाल बीट भाई, अर्ली जा रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये क्रिकेट 22 में, मेरी बैटिंग बॉलिंग सब अरे बाप रे, अब टाइमिंग आइडिया, लेकिन शॉट गलत है, फुटवर्क गलत है, दो रन के साथ ओवर शुरू हुई है, उनकी 4 रन थे। बालकर आए नए ओवर के साथ, अरे भाई 134 का पेस, ये अर्ली क्यों जा रहा है टाइमिंग, अरे अर्ली यार सही में भाई मैं आज बिल्कुल ब्लैंक हो गया, राजस्थान को भारी पड़ जाएगा ये मैच, वेट करके खेलना वेट करके। यॉर्कर आइडियल टाइमिंग बट गैप नहीं अनफॉर्चुनेटली, इस बार एक रन आया है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिक्स, ये कहना पड़ रहा था कि भाई रिक्वायरमेंट 12 जा रहा है, क्या मारा है सिक्स यहाँ पर बटलर ने। लेकिन हाँ जो पिछली गलतियां थी उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा था, तो वेट 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 वेट, ये फाइनली आइडियल आया है। एक और ठीक है, फ्लैट रहा है फिर गड़बड़ करते हैं, वन बाउंस है बाउंड्री बट आइडियल चाहिए था मुझे तो। कप्तान तुरंत दौड़ के आए कि भाई कर क्या रहा है तू, स्ट्रेट खेलते हुए गैप की उम्मीद थी, मिलिया नहीं, एक रन ओवर लेकिन वसूल करवा दिया हमें, 8.5-7.5 का रन रेट आ गया है। और तेज गेंदबाज अबॉट, एजेस बनी है, थर्डमैन कभी तो साथ दे दे, अरे दे दिया, लेट टाइमिंग बन रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये गेंदबाज जो है वो बाकी दो से तेज गेंदबाजी कर रहा है, या तो फिर मैं वेट कर गया हूँ, अभी चेक करना पड़ेगा इसको भी क्या है। 17 में 26 यॉर्कर, चहल ठीक है नहीं, चहल नहीं, मैं एक्चुअली बात कर रहा था जायसवाल की, उन्होंने बहुत डॉट गेंदे खेली है, डॉट रही है भी। 15 में 24 यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, आइडियल टाइमिंग का साथ मिला है और ये गेंद स्कोर में जोड़ेगी 4। 14 में 20 रन, अब थोड़ा बेहतर लगता हुआ जो टारगेट है, ओवर में थोड़ा संभाल के, हाँ गैप बन रहे हैं, फील्डर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है,
स्टैचू लगता है किसी ने बना दिया था उनको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बटलर ने लगा दी एक और बाउंड्री, 11 गेंदों में 27 की पारी उनकी, कवर खाली 147। बट ये फील्डिंग जानबूझ के लगता है ओपन दिखाते हैं, वहाँ शॉट लेने लायक होता नहीं है, लेकिन डॉट गई लास्ट बॉल। फुलर 7.5 का रिक्वायर उन्हें डिफेंड करने की, उम्मीद के साथ आए हैं, अपर एज लगी है, फील्डर कोशिश जरूर कर रहा है बट पहुंच नहीं पाएगा। 4 मिलता हुआ यहाँ कीपर के सर के ऊपर से एजिस के थ्रू चौका जा रहा है। 6 गेंदों में 1 रन था, 5 गेंदों में 0 था जायसवाल का। ये बाउंड्री थोड़ा बेहतर करेगी उनका स्कोर कार्ड, और अब ऐसे सही वक्त पे आया ना कि रन रेट 6 होने वाला है रिक्वायर्ड। फील्डिंग में तो भाई कमी शुरू से ही है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रन तो मतलब बाउंड्री तो मिड विकेट पे पहले भी था, अभी भी है। 2 रन डायरेक्ट हिट, ओ डाइव लगाई लेट, 5 विकेट सलामत है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। यहां से बॉल टू बॉल मैच मुझे लग रहा है कि अब जीत जाना चाहिए, और हाँ 2 से 3 गेंदें बची रहनी चाहिए। 1 रन पे रोका है, थ्रो अच्छा, शॉट थोड़ा कम रह गया, बाकी 6 था, ये होना चाहिए था एटलीस्ट। बाउंसर स्क्वायर कट, और यहाँ पर जो गली में से चौके जा रहे थे फर्स्ट इनिंग में, हमने भी लगा दिया उसी लाइन में एक और। बटलर की जो पारी है भाई, छोटे से स्कोर को चेस करने में काबिले तारीफ। जब जायसवाल स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने संभाल लिया था रन रेट, नहीं तो अभी हालत खराब होती। 40 में से 31 रन अकेले इनके हैं, और यहां पर खतरे की घंटी है, और जी हाँ लास्ट मोमेंट पे ये ओवर की आखिरी बॉल पे रन आउट हुए। क्या यहां से गेम बदलेगा, क्या यहां से हैम्पशायर अब इस मैच में वापसी कर सकता है? ज्यादा कुछ बचा नहीं है उनके लिए, क्योंकि विकेट और रन यहां पर लगभग बराबरी के करीब आए हैं। बट झटके की शुरुआत की है, एक ब्रेक थ्रू ले लिया इन्होंने रन आउट के रूप में। चाहो तो इसी बॉल पे खत्म कर दो मैच, अटेम्प्ट था, अर्ली बना टाइमिंग, एडवांस 6 की कोशिश थी, बीट हुए, ओवर समाप्त। लियाम डॉसन आखिरी ओवर, 5 रन डिफेंड करना है, पर स्पिनर लाया है कुछ सरप्राइज कराने के मूड में, बट हम अनऑर्थोडॉक्स शॉट ले रहे थे, 4 निकालने वाले थे, थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल बनता हुआ नॉर्मल क्लासिक शॉट पे आ गए वापस से। पर डॉट चाहिए हमें, डॉट चाहिए हमें, डॉट चाहिए हमें, अरे दौड़ा देना था, पर मुझे थोड़ी सा मालूम था कि फील्डर रोक लेगा गेंद को और खुद भी रुक जाएगा। अननेसेसरी का लंबा जा रहा है मैच, मार भाई भैया, हो हो 3 में 5 गेंदें जा चुकी है, 3 डॉट। देखो पहली पे भी सही, मैंने अपने हिसाब से सही खेला, दूसरे पे रन दौड़ना था नहीं दौड़ना था वो तो डिपेंड करता था कितना टाइम ले रहा है फील्डर, फील्डर ने उधर टाइम ले लिया वरना आउट हो जाते हम लोग, तो सही रहा है। बट शॉट लो, मिडल कवर किया है, कोशिश कर रहे हैं, पर ये गेंद दे तब ना, शॉट 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 शॉट, एक रन, अरे ओ भाई संभाल कर, अभी भी 2 में 4, जायसवाल के सारे गलतियां माफ हो जाएंगी। एजेस आखिरी बॉल पे 4 चाहिए होगा राजस्थान को, वेट करके खेल रहे थे बट आई थिंक लेट आया है टाइमिंग, हाँ लेट ही आएगा, वेट करके खेल रहे हो तो लेट ही होगा ना। लियाम डॉसन ने कमाल का ओवर डाला है, आखिरी गेंद पे चाहिए 4 राजस्थान को जीतने के लिए, हार गई तो फिर मोस्टली सफर पूरा यहाँ पे। अरे भाई कर ले कवल, कर ले मिडल, ओह और ये लॉफ्टेड शॉट, थैंक यू इस तरह की फुल लेंथ गेंद देने के लिए, 4 लगा दिया देवदत्त पट्टिकल ने, और इसी के साथ राजस्थान को एटलीस्ट इस टूर्नामेंट में जिंदा रखा है। अभी सिनारियो क्या बन के आ रहा है रैंकिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हैम्पशायर का थोड़ा मेरे मन में कंफ्यूजन था, उसने एक मैच तो जीता है बट उन्होंने 2 मैच खेल के 1 जीता है कि क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। बट फाइनली जो नैया है राजस्थान की पार लग गई है, और कहीं ना कहीं लोग अफसोस करते कि भाई तू क्यों बनाई ये टीम राजस्थान, हरवा दिया तूने तो, बट नहीं भाई जितवा दिया है हमने। समरी कुछ ऐसी है, जोश बटलर मैन ऑफ द मैच बनते हुए डिजर्व भी करते हैं, 45 में से 31 अकेले ही मारे हैं। रैंकिंग ऐसी है, हैम्पशायर ने, हाँ हैम्पशायर ने 1 ही मैच खेला था, 1 जीता था, अब 2 और 1 वाला सिनारियो है उनका 50%, मतलब राजस्थान जो इस मैच से पहले था ना वो हैम्पशायर की ये हालत है, तो हैम्पशायर अभी भी रह सकता है टूर्नामेंट में। सबसे बड़े मुश्किल सिक्सर्स के लिए होने वाली है, अगला मैच सिक्सर्स का ही है, वहां पर क्लियर हो जाएगा कि सिक्सर्स रहेगा या नहीं रहेगा। हम लोग बारबाडोस बनने वाले हैं, और बारबाडोस इस समय
के लिए भी भाई, हाँ उस मैच में बारबाडोस का जीतना भी जरूरी है, वो हार गया तो वो भी सिडनी जैसी हालत हो जाएगी, तो काफी अजीब सा टूर्नामेंट बनता हुआ, वो हारा तो उसके जैसा हो जाएगा, वो जीता अगर तो वो उसके जैसा हो करवा देगा सामने वाले को। लाहौर इस समय सबसे स्ट्रांग है, बाकी सब अपनी मस्ती में। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, 3 बजे के स्ट्रीम में या फिर वीडियोज में, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइक कर देना, बाय बाय, टाटा, गुड डे।